ओके फाइन। सो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, ठीक है। सो लेट्स गो टू दी क्वेश्चन नंबर 4 इन एक प्रैक्टिस सेट 4.2, राइट। सो विच क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सालिम इज 5:9। 5 years हेंस रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे क्या करना है ना, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, है ना। तो ऐसे लिखो, जस्ट राइट डाउन, लेट 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 एजेस ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम बी 5x, 9x, 5x, 9x, 5x, 9x। ओके फाइन, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आफ्टर 5 years? आफ्टर 5 years उनका एज क्या हो जाएगा अंकिता? 3x and 5x। नहीं, 3x और 5x नहीं। ओके, 5 years। ओके फाइन, राइट डाउन, आफ्टर 5 years तो उनके एजेस कैसे होगा? आदित्य, आपका वीडियो ऑन करो डियर। 5 साल के बाद, ठीक है, उनका, वेरी गुड, ठीक है, एक्सीलेंट। 5 साल के बाद उनका एज क्या होगा? आपका एज अभी समथिंग 14 होगा, राइट अंकिता? तो 5 साल के बाद आपका एज कितना होगा? यस, यू आर म्यूट। हाँ, 19। 19 है ना, 14 प्लस 5। लतेश, आपका एज अगर समथिंग 16 है तो 5 साल के बाद कितना होगा लतेश? 21। 21, ठीक है, वेरी गुड। आदित्य, आई एम ऑडिबल? आदित्य, आई एम ऑडिबल? यस, वीडियो ऑन करो। अगर आपका एज 22 है आदित्य, तो 5 साल के बाद कितना होगा? 27। 27। मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, 5 को ऐड किया, बराबर है? यस। यस और नो? तो उनका प्रेजेंट एज क्या है? 5x और 9x। दोनों का प्रेजेंट एज क्या है? 5x और 9x। तो अभी मेरे को आप बताओ, 5 साल के बाद अल्बर्ट का एज कितना होगा? एनीवन एनीवन? हाँ, यस, अनम्यूट करके बोलो, ठीक है, चलेगा। 5 साल के बाद अल्बर्ट का एज कितना होगा? यस अंकिता, लतेश, आदित्य? हाँ लतेश बोलो। 4.5। नहीं, क्या बोला समझा नहीं, क्या बोला? 5 साल के बाद उनका एज होगा 5x+5, वेरी सिंपल यार। एंड सलीम का एज कितना होगा? 9x+5। तो उनका रेशियो कितना है? 3/5। यस और नो? रेशियो कितना है? 3/5। देखो, सिंपल मैं आपको बोर्ड पे करके देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे, अगर अल्बर्ट का एज 5x है एंड सलीम का एज 9x है, तो आफ्टर 5 years कितना होगा? जैसे आपने आपके एज में 5 ऐड किया, वैसे उनके एज में भी क्या होगा? 5 ऐड होगा। यस और नो? उन्होंने क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। रेशियो गिवन है, तो रेशियो कितना गिवन है? दैट इज 3:5। कितना रेशियो गिवन है? दैट इज 3:5, ठीक है। चलो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 5x+5 इज इक्वल टू 3 × 9x+5। समझ में आ गया आपको? ठीक है, कुछ नहीं किया यस सर। आदित्य। ओके फाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी 5 × 5 क्या होगा? ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी एक्स फाइव प्लस एक्स ट्वेंटी वेरी फाइव गुड। इक्वल टू 27x+15।
very good. A is equal to 27x plus 15. शाबाश, excellent. ठीक है, so अभी आपको क्या करना है, 25x minus 27x is equal to 15 minus 25. Variable को एक साइड लेना आपको, variable always on the left side. Variable always on the left side, constant always on the right side. So minus 2x, because बड़े number का sign बराबर है, so minus 2x is equal to minus 10. So minus minus cancel, x is equal to 10 upon 2, therefore x is equal to 5. What is the value of x? That is 5. समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, वेरी गुड. ठीक है, सो उनके एजेस क्या हो जाएंगे फिर, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 5 इनटू 5 दैट इज इक्वल टू 25. क्लियर, एकदम सिंपल हो ना, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको करके दिया है. ठीक है, देन 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 5, so this equal to 45 years. ठीक है, क्लियर, जस्ट राइट डाउन. क्लियर लतेश? अच्छा, लतेश एग्जिट हो गया था. ठीक है, यस अंकिता, क्लियर? काफी समझ में आया है, आप पूछ सकते हो. यस मैम. क्लियर, वेरी गुड. आदित्य, यस समझ में आ गया आदित्य? आपका वीडियो कांस्टेंट रखो ना डियर, बार बार बंद चालू हो रहा है. ठीक है, ऐसा मत करो. लतेश, काफी समझ में नहीं आपको? देखो अगेन थोड़ा सा मैं रिवाइज करके देता हूं आपको. ठीक है, 5:9 रेशियो था, तो इनको क्या करने का मैंने आपको बताया था, दैट इज 5x, 9x उनके एजेस है. 5 साल के बाद हो ना, 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल तीनों में, 5 साल के बाद क्या होगा, दोनों का एज बढ़ेगा 5-5 ईयर से, तो मैंने 5-5 ऐड कर दिया. फिर दोनों का रेशियो गिवन है, तो रेशियो करने का हो गया. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आंसर कंप्लीटली आ जाएगा, है ना, एकदम सिंपल. क्या क्लियर हो गया? ठीक है, चलो कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर. वेरी गुड. ठीक है, अगर लिखना है तो आप बोलो मेरे को. सो अच्छा, लिखना है क्या? ठीक है, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, चलो. तो जस्ट राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है, राइट डाउन मींस व्हाट? अपने को जस्ट गिवन लिखना है. देखो अभी यहाँ पे क्या है ना, रेशियो ऑफ लेंथ और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. तो मैंने आपको क्या बोला था, डबल कॉलम किसमें कन्वर्ट करना है आपको, है ना, आप ही कर सकते हो. ठीक है, लिखो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, लेट लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी 3x, 1x, राइट, 3x, 1x. अभी रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है? साइड प्लस ब्रेथ, लेंथ इन लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, राइट, यस, है ना. तो यहाँ पे आप कर सकते हो, अभी लिखो, राइट डाउन, पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देखो, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2l + b. ये सबको पता है क्या? आदित्य आपको पता है? वेरी गुड. लतेश, लतेश ये फॉर्मूला पता है आपको? यस सर. गुड. अभी पेरीमीटर कितना गिवन है? 36. शाबाश. तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, मैं यहाँ पे 36 लेता हूँ. मतलब 36 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अभी व्हाइट बोर्ड पे कैलकुलेट करके देता हूँ. ठीक है, सो 36 इज इक्वल टू, इसको मैं रब कर देता हूँ,
36 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना था अपना अंकिता? अपने क्या अज्यूम किया था लेंथ? 3x. शाबाश. और ब्रेथ क्या अज्यूम किया था अपने? 1x. शाबाश. तो क्लियर हुआ कि नहीं, समझ में आ गया आपको? अरे से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? रेखा वेलकम, वीडियो ऑन करो डियर. सो 36 इज इक्वल टू 2 × 4x, 2 × 4x है ना. तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 36 अपॉन तो 2 × 4. वेरी गुड, एक्सीलेंट. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? इधर का मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा लतेश? डिवाइड होगा. क्या होगा? डिवाइड. डिवाइड. फिर भी मैं एक स्टेप आपको अगेन करके देता हूँ. ठीक है, चलो. सो 36 इज इक्वल टू, रेखा बीच में आए हो, मैं आपको अंडरस्टैंड करके देता हूँ, ये होने दो कंप्लीट. ठीक है, सो x इज इक्वल टू 36 अपॉन 8. What's the answer? कितना होगा? Yes, आदित्य, वीडियो ऑन ऑफ मत करो, कंटिन्यूसली चालू रखो. Yes. हाँ, आंसर बताओ मेरे को. अंकिता, what's the value of x? लतेश, what's the value of x? रेखा, लिखो फास्ट, इसका वैल्यू बताओ. यस यस. वन. वन कैसे होगा डियर? 36 अपॉन 36 का वन होता है. यहाँ पे तो 36 अपॉन 8 है. पहले 4 से डिवाइड करो. क्या करो? 4 9 36, 4 2 4.5. यस, शाबाश. 4.5. ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला अभी, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ. ठीक है, therefore, so length is equal to 3x. तो क्या होगा रेखा? 3 × 4.5, right? Sorry, 3 × 4.5. रेखा, I am audible? रेखा, रेखा को आवाज नहीं जा रहा है क्या? रेखा, unmute करके बोलो dear. Yes, sir. आवाज आ रहा है आपको? हाँ सर. वेरी गुड. ठीक है, चलो. तो एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट से मैं आपको लेके जा रहा हूँ, सिंपल सिंपल स्टेप. तो 4.5 × 3, हाउ मच? 13.5. शाबाश. अगर यहाँ पे सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर दे दो, कुछ भी नहीं दिया है, या सेंटीमीटर दिया है. ठीक है, देन ब्रेथ कितना होगा? ब्रेथ तो 1x ही है ना. सो 1 × 4.5, हाउ मच? 4.5. यस, 4.5 सेंटीमीटर. शाबाश, हो गया. एकदम इजी है ना. रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफी इजी चैप्टर है, तो आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो. पहले आप क्या करो ना, पहले आप समझ लो. ठीक है, पहले आप लिखने के कोशिश मत करो, मैं आपको सेपरेट टाइम दूंगा लिखने के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जब भी मैं क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करके दूंगा, तो आप पहले समझ लो, और बाद में मेरे को आप बोल सकते हो सर हमको लिखना है, तो मैं वेट करूंगा, डोंट वरी. ठीक है, तो यहाँ पे अपन कंसेप्ट लर्न करने के लिए आए हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन जाते हैं अभी. So your next question is the ratio of two number. The ratio of two numbers 31:23. तो लतेश नंबर क्या होंगे? मैंने आपको बताया था कंसेप्ट, क्या होंगे नंबर? 31x:23x. हाँ, 31x:23 नहीं यूज करने का भी, 31x, 23x, ये आपके नंबर हो गए. बराबर है, इजी. अभी उनका सम, तो ए दोनों का सम कितना है? तो ए दोनों का सम,
यस 206। क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो? मैंने आपको बता दिया ना, पहला नंबर है 31x प्लस दूसरा नंबर है 23x और दोनों का सम किया तो एडिशन है 216। चलो निकाल के बताओ बरा मेरे को, चार्ट में x का वैल्यू मेरे को शेयर करो। रॉन्ग हुआ तो भी चलेगा, डोंट वरी। यस रेखा स्टार्ट। ठीक है, आपको समझ में आ रेखा? यस सर। वेरी गुड। इस टू जहाँ पे भी रहता है तो आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है 31x कॉमा 23x और यहाँ पे क्या दिया है, उनका सम। तो इसलिए अपन ने यहाँ पे सम किया और सम कितना है तो 216 है, बराबर है। चलो अभी x का वैल्यू आप मेरे को निकाल के चार्ट में भेजो एवरीबॉडी। ठीक है, फटाफट फाट सब लोग मेरे को चैट में भेजो। वेरी गुड। यस वेरी गुड अंकिता, वेरी गुड आदित्य, सब लोग चैट में आंसर भेजो मेरे को। वेरी गुड लतेश, वेरी गुड भक्ति। अच्छा भक्ति नाम है आपका, सॉरी। ठीक है, यस यशश्री पवार। तो यशश्री आपका वीडियो ऑन करो डियर। चलो तो मैं यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, ये दोनों का सम कितना आया? 54x। शाबाश, 54x इज इक्वल टू, इसको मैं रफ कर देता हूँ, सो 54x इज इक्वल टू 216। अभी देखो आपको मैंने बताया था कि 54 का टेबल आपको पता है क्या? नहीं पता है ना, तो कैसे करने का मैं आपको बताता हूँ। 54 इंटू 4 करेंगे तो 4 4 6 आता है कि नहीं आता है, मतलब 4 4 16। तो अपने को क्या चाहिए, यूनिट प्लेस में 6 चाहिए, बराबर है। तो 4 से मल्टीप्लाई करके देखने का, तो 4 5 20, यस 216। शाबाश, तो 54 1 जा 54 4 जा x इज इक्वल टू 4। तो वाज दे आर आस्किंग फाइंड दिस नंबर, तो नंबर्स क्या होंगे फिर, आपको क्या करना है नंबर्स के लिए, 31x मतलब 31 इंटू 4 निकालो करे कितना होता है। भक्ति सॉल्व करो डियर कितना होता है मेरे को बताओ फास्ट। 23 इंटू 4, यस 4 कितना, वेरी गुड नतेश, एक्सीलेंट। 124, एक्सीलेंट अंकिता। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 23 इनटू 4, यस वेरी गुड नतेश, एक्सीलेंट। यशश्री वीडियो ऑन करो डियर। यस भक्ति, आई थिंक आपके एज के लिए वैक्सीन चालू हुआ क्या? आपके एज कैटेगरी को वैक्सीन चालू हुआ है क्या स्कूल में? नहीं हुआ सर, हुआ है। हुआ है, वेरी गुड। ठीक है चलो, सो 92, वेरी गुड। सो कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य? यस सर। ओके फाइन, चलो काफी इजी क्वेश्चन थे, देखो अभी है ना आप ही सॉल्व कर रहे हो, मैं जस्ट आपको हिंट दे रहा हूँ। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360 एंड देयर रेशियो इज, सर लिखा नहीं है। अच्छा लिखा नहीं आपने, कौन सा नहीं लिखा? ठीक है चलो लिखो फिर। यशस्वी वीडियो ऑन करो डियर। यस यस एक मिनट, चलो
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन काफी इजी है. तो यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे अभी, कोई भी बताओ. ठीक है, यहाँ पे नंबर्स क्या होंगे? 10x, 9x. शाबाश. और उनका क्या गिवन है आपको? प्रोडक्ट. वेरी गुड. तो आपको क्या करना है, सिंपल 10x इंटू 9x इज इक्वल टू 360 करके बताओ. बरा रॉन्ग हुआ तो चलेगा, रॉन्ग हुआ तो चलेगा, करके बताओ. आंसर 40 आएगा. 40 आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य. देखते हैं ना अभी. ठीक है, चलो रॉन्ग हुआ तो चलेगा भक्ति, बाद में मैं अंडरस्टैंड करके दूंगा आपको. ठीक है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट. रॉन्ग हुआ तो चलेगा. यशश्री हेलो. सबका आंसर आ रहा है. वेरी गुड भक्ति, एक्सीलेंट. वेरी गुड अंकिता. सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी अभी. सो देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली करता हूं अभी. 90x square इज इक्वल टू, सॉरी 360 है ना, 360. सो देयरफॉर यही पे मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको अभी. वेरी गुड आदित्य, देखते हैं अभी क्या होता है. ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 360 अपॉन 90, राइट? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस, है ना? सो 0 0 कैंसल. सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ए का वैल्यू क्या होगा? प्लस माइनस 2 डियर. क्यों ऐसा? देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4. तो एज का वैल्यू प्लस माइनस 2, राइट? चलो लिखो यहां तक, बाद में मैं आपको बताता हूं. ठीक है, एकदम स्टेप वाइज. आपने 2 भी लिखा तो भी चलेगा, टीचर रॉन्ग नहीं देंगे, लेकिन एक्यूरेट आंसर प्लस माइनस 2 होता है. ठीक है ना? जब भी किसी नंबर, मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करके देता हूँ. यहाँ पे अगर 36 है तो एक्स का वैल्यू आएगा आपका प्लस माइनस 36. हो सकता है एक्स माइनस 6 भी हो, है ना? ठीक है, चलो. तो यस लतेश, समझ में आ रहा है? लतेश क्लियर हो रहा है? यस सर. वेरी गुड. ठीक है, अगर इफ एक्स इज इक्वल टू, मैं अगर 2 लेता हूं, इफ एक्स इज इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूं, तो 10x इज इक्वल टू कितना आएगा? 10 into 2 दैट इज 20, एंड दूसरा कौन सा है तो 9x, 9 into 2 दैट इज 18. तो आपका आंसर आ गया 18. और इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 अगर मैं लेता हूं, तो 10x इज इक्वल टू 10 into -2 -20, एंड 9x इज इक्वल टू 9 into -2 दैट इज -18. ठीक है, ये दोनों आंसर आपको आ सकते हैं. ठीक है, यस लतेश समझ में आ गया, आदित्य समझ में आ गया. वेरी गुड. ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है, किसी भी, अभी देखो यहाँ पे भी है, अगर 196 है तो x इज इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 14, राइट? है ना? तो कैन वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? वेरी वेरी गुड भक्ति. ठीक है, चलो. वेरी गुड अंकिता, लतेश, गुड. चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? इफ ए इंटू ए इज टू बी इज इक्वल टू 3:1 एंड बी इज टू सी इज इक्वल टू 5:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ. है ना? थोड़ा सा क्या है, अपन इसको सॉल्व करेंगे. देखो यहाँ पे
ए अभी आप लिखो मत, ठीक है, आप पहले समझ लो, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा। तो ए अपॉन बी कितना दिया हुआ है, तो आपको 3/1 गिवन है। बी अपॉन सी कितना है, तो बी अपॉन सी आपको गिवन है, दैट इज 5:1, मतलब 5/1, राइट। यहां तक क्लियर है, क्वेश्चन ही है, गिवन है, ठीक है। सो अगर आपको आपको क्वेश्चन है ए क्यूब 15b² c और एक पूरे ब्रैकेट का क्या है, क्यूब है, ऐसा क्वेश्चन है आपको, तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरे पास क्या अवेलेबल है, a अपॉन b, तो क्या करूंगा देखो, अभी थोड़ा सा 1/15 को बाजू में रखता हूं, a स्क्वायर को मैं ऐसे लिखता हूं, b स्क्वायर हो गया, एक मिल गया कि नहीं मेरे को, है ना, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी a बचा है तो a अपॉन c लिखता हूं मैं, वैसे ही लिखा मैंने, बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिखा। क्या यहाँ पे समझ में आ गया भक्ति, क्या किया? वेरी गुड, कुछ नहीं किया, a जो बी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और तो देखो न्यूमरेटर में a क्यूब भी आया कि नहीं, ए स्क्वायर इंटू a क्यूब, है ना, कुछ नहीं किया मैंने, और नीचे 15b² c। अभी अपने पास a into c है क्या, नहीं है, a into c कहीं पे भी दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं अपन कर सकते, कैसे देखो, मल्टीप्लाई करो, ये दोनों का क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, तो b भी क्या हो जाएगा अंकिता, b भी कैंसल, तो a अपॉन c इज इक्वल टू कितना आया, 15/1, हाउ मच आदित्य, 15/1, हाउ मच लतेश, समझ में आ गया, यस। बस अभी मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा स्टेप को मैं इंक्रीज करता हूँ आपको समझने के लिए, a अपॉन c का होल, a अपॉन b का होल स्क्वायर, बरबर ना, दोनों साइड में स्क्वायर है, तो मैं पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर दे सकता हूँ, और a अपॉन c एज इट इज, और ये पूरा ब्रैकेट का जो क्यूब है वो क्यूब, ठीक है, क्लियर याद तक, एकदम वेरी गुड। चलो अभी आपने को क्या करना है, वैल्यू ही सिर्फ पुट करना है, तो a अपॉन b कितना है अपना, 3/1, तो उसका स्क्वायर कितना होगा लतेश, 9/1, है ना, a अपॉन b है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, 9/1, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे मैं बता दो, देखो a अपॉन b कितना आपका, 3/1, तो इसका स्क्वायर कितना होगा, तो इसका भी स्क्वायर होगा, दैट इज 9/1, तो मैंने यहाँ पे रखा 9/1 इंटू a अपॉन c कितना है अंकिता, a अपॉन c कितना है, 15/1, शाबाश, 15/1, और ये जो क्यूब है वो एज इट इज, राइट। चलो तो 15 कैंसल, तो आपका क्या बचा, सिर्फ 9 ही बचा है ना, तो 9 का क्यूब, कल मैंने बताया था 9 का क्यूब क्या है, भूल गए है ना, 81, शाबाश भक्ति, 81 स्क्वायर है आदित्य, क्यूब पूछा है मैंने, 729, शाबाश। तो यहाँ पे आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हो, अच्छे से समझ में आ गया, डिटेल में समझ में आ गया, अभी आप लिख सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूं, अभी इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, b square a square upon 7bc,
आपको क्या करना है, 1/7 को ऐसे ही रखो, ए अपॉन बी लिखो इंटू ए अपॉन सी लिखो, है ना, समझ में आ गया? देखो एकदम सिंपल, तो आपको पता है कि ए अपॉन बी तो पता है, लेकिन ए अपॉन सी वी डोंट नो, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, तो यहाँ पे 3/1 इंटू 5/1, बी बी कैंसल हियर, तो ए अपॉन सी इज इक्वल टू 15/1। तो अपन क्या करेंगे, सब में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, चलो व्हाट्स द आंसर, न्यूमरेटर इनटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इनटू डिनोमिनेटर, है ना, तो 45/7, सो दैट्स योर आंसर, एकदम सिंपल, अभी आप लिख सकते हो। लतेश के यहाँ पे पावर कट हो गया है, ठीक है, डन सर, ओके डन, ठीक है, आदित्य वीडियो ऑन रखो डियर, ठीक है, सो ए भी क्लियर हो गया आपको, देन नेक्स्ट है दैट इज इफ अंडर रूट ऑफ 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, अच्छा आप क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है, सब लोग क्वेश्चन लिख लो, आदित्य राइट डाउन द क्वेश्चन, ठीक है, चलो, सो क्या क्वेश्चन है, जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू 0.4 इंटू ए इज इक्वल टू 0.04 रूट बी, ओके, तो आपको जब भी रूट के क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, आपको स्क्वेयर ऑन बोथ साइड क्या करना है, पहले रूट को निकाल देना है, बराबर है, तो रूट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली स्क्वेयर ही करना पड़ेगा, उससे सिवा तो आप कुछ नहीं कर सकते, बराबर है, इस साइड भी स्क्वेयर और ए साइड भी स्क्वेयर, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, बराबर ना, ठीक है, बराबर आदित्य, क्लियर, सो 0.04 इंटू 0.4 इंटू ए, लेकिन इनका स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.04 इंटू रूट बी का स्क्वायर क्या होगा, बी, तो यहाँ पे समझ में आ गया, वाई 0.4 इंटू 0.4 इसका स्क्वायर होगा, 0.4 का स्क्वायर क्या होगा, 0.4 इंटू 0.4, राइट, 0.16, वो करेंगे ना बाद में, अपन करेंगे, ठीक है, वो करेंगे, या तो समझ में आ गया, क्लियर, अभी देखो जो जो कैंसिल होता है ना, आपको क्या चाहिए, a अपॉन b चाहिए क्या, यस, देयरफॉर a अपॉन b इज इक्वल टू
0.04 into 0.04 into 0.04 into 0.04 upon this one. 0.04 into 0.04. लिखो मत, पहले समझ लो, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है? सो तो यहाँ पे 0.4 0.4 कैंसल, 0.04 0.04 कैंसल, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया आदित्य, समझ में आ गया अभी? सो रिमेनिंग क्या बचा अभी, 0.4 into 0.04, तो कितना हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया कि पहले आप क्या कर दो, 4 4 16 लिख दो पहले। अगर आपको पॉइंट देना है तो कैसे काउंट करना है, 1 2 3, कितने पॉइंट है, 3, तो कैसे देने का देखो, यस 1 2 3 पे कुछ भी नहीं है तो 0 डालो, बाद में पॉइंट दो। तो पहले आप क्या करो, 4 4 16 लिख दो, उसके बाद कितने पॉइंट है, 1 2 3, तो 1 2 3 पे कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 0 रखो, फिर पॉइंट दो, हो गया। क्लियर अंकिता? ठीक है, शाबाश। ठीक है, तो 0.16 इज द आंसर। ठीक है, तो आप अभी लिख सकते हो, और जहां पे भी नहीं समझ में आए यू कैन आस्क मी ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। तो आप 0.016, ठीक है। यस आदित्य, क्लियर? अंकिता, कंप्लीटेड? ओके, फाइन। सो लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन, है ना? तो ये लास्ट क्वेश्चन में आपका लेक्चर भी खत्म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा, एंड मंडे को वी विल स्टार्ट 4.3 एक्सरसाइज। तो 4.3 एक्सरसाइज आप देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन की जरूरत होती है, ठीक है? तो ये लेक्चर मिस मत करो, और कंपोनेंटो डिविडेंडो है, ठीक है? आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको भी बोल सकते हो, है ना? तो ये 4.3 एक्सरसाइज मैं आपको अभी दिखाऊंगा कैसा है, काफी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको टाइम भी लग सकता है, ठीक है? तो ये सब अपने को सॉल्व करना है, तो मंडे को 5 to 6 लेक्चर मिस मत करो, ठीक है? तो अभी मैं ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ 4.2 का, जस्ट अ मिनट, वेयर इज द क्वेश्चन, हाँ यस, तो जस्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, x+3 is to x+11 is equal to x-2 is to x+1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखना है, ऐसे लिखने के बाद आप ऐसे लिखो इनको नीचे, ठीक है? x+3 upon x+11 is equal to x-2 upon x+1। ठीक है, मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दूंगा, ठीक है? क्वेश्चन हो गया अंकिता, गुड आदित्य, क्वेश्चन हो गया, वेरी गुड। अभी लिखो मत, आप समझ लो पहले, ठीक है? x+3 x+11
x plus 3 x plus 11 is equal to x minus 2 x plus 1. क्वेश्चन राइट है, ठीक है, चलो अभी करते हैं. यस, वेरी गुड. चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स प्लस थ्री इन टू आप लिखो मत, समझ लो, ठीक है. आदित्य ध्यान दे दो. सो एक्स प्लस वन देन एक्स माइनस टू ब्रैकेट एक्स प्लस इलेवन. कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते टाइम अभी क्रॉस हो गया, ठीक है. अभी देखो एक्स इंटू पूरे ब्रैकेट से बराबर है, फिर यहाँ पे प्लस थ्री है तो प्लस थ्री, माइनस थ्री होता तो माइनस थ्री, इससे भी ये ब्रैकेट से बराबर है, ठीक है. चलो ये हो गया, यहाँ पे भी वैसे ही करना है, एक्स इंटू एक्स प्लस इलेवन, माइनस है तो माइनस टू एक्स प्लस इलेवन. क्या आदित्य यहाँ पे क्लियर हो गया? वेरी गुड. तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन, दैट इज यहाँ पे प्लस है तो प्लस वन एक्स, थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री इंटू वन दैट इज थ्री प्लस थ्री, कंप्लीट. यहाँ पे भी वैसे करेंगे, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू इलेवन प्लस इलेवन एक्स, माइनस है तो माइनस टू एक्स एंड माइनस टू इंटू इलेवन दैट इज माइनस ट्वेंटी टू. समझ में आ गया पक्का? चलो, मैंने आपको यही बोला था, वेरिएबल ऑन लेफ्ट साइड कॉन्स्टेंट ऑन राइट साइड. तो अपन क्या करेंगे, पूरे के पूरे वेरिएबल जितने भी है एक साइड में लाएंगे अपन, है ना. इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, बराबर है ना. ए प्लस इलेवन इधर जाएगा तो ए भी माइनस होगा, माइनस टू इधर जाए तो क्या होगा, प्लस टू एक्स होगा, ठीक है. और यहाँ पे जो कांस्टेंट बचा हुआ है माइनस ट्वेंटी टू एज इट इज, प्लस थ्री उधर जाए तो क्या होगा, माइनस थ्री. क्लियर, पक्का, कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसल. यहाँ पे वन एक्स प्लस थ्री एक्स फोर एक्स, 4x में से 11x गया तो कितना, चलो मैं अभी लिख ही देता हूँ थोड़ा सा, 4x माइनस 11x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 25, बराबर ना, ठीक है. माइनस माइनस प्लस और बड़े नंबर का साइन, बराबर है. नहीं समझ में आया तो शॉर्ट में करके देखने का इसे, ठीक है. सो 4x में से 11x गया तो माइनस 7x प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस 25. सो माइनस 7x प्लस 2x कितना बचता है, दैट इज माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 25, है ना. तो माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 अपॉन 5. Therefore, x is equal to 5. क्या आपको क्लियर हो गया यहाँ पे एकदम से? चलो आप आराम से लिखो अभी, ठीक है. सो गाइज, यहाँ पे 4.2 एक्सरसाइज अपन ने पूरा कंप्लीट कर दिया है, राइट. तो मंडे को 5 to 6 PM हमारा डेली लेक्चर रहेगा. तो आप YouTube पे भी आप देख रहे होंगे या आप Zoom पे आप लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे, तो आपके से आपके कलीग से भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है. सो सी यू गाइस ऑन मंडे 5 to 6 PM, ठीक है. सो तब तक के लिए बाय बाय. और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारा अपडेट आपको आता रहेगा, ठीक है गाइस. चलो थैंक यू, बाय बाय.